हेलो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस किन किन स्टेजेस में इवोल्यूशन होता है ए क्वेश्चन दैट अराइजेज हेयर इज इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सच एज द आई आर सेलेक्टेड फॉर द एडवांटेज दे प्रोवाइड हाउ कैन दे बी जनरेटेड बाय ए सिंगल डीएनए चेंज यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन हैं जैसे कि आंखें आंखें इसलिए सेलेक्ट की जाती हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को कुछ एडवांटेज प्रोवाइड कराती हैं यानी ऑर्गेनिज्म को देखने का एडवांटेज प्रोवाइड कराती हैं तो आंखें इतनी ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड ऑर्गन है और डी में जो चेंज होता है वह बहुत ही ज्यादा कम होता है यानी सिंगल चेंज होता है डी में तो डी में इतने कम चेंज इतने ज्यादा ऑर्गन किस तरीके से बन जाते हैं ये क्वेश्चन उठता है श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विल बी क्रिएटेड बिट बाय बिट ओवर जनरेशन तो इसका पक्का आंसर क्या है कि इतने ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन थोड़े थोड़े बनते चले जाते हैं यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन इवोल्यूशन से स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है थोड़ा थोड़ा होता है बट हाउ कैन ईच इंटरमीडिएट चेंज बी सिलेक्टेड फॉर तो जो इंटरमीडिएट स्टेज में जो चेंज आ रहे हैं वो किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं ये क्वेश्चन उठता है देर आर ए नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सप्लानशन इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं वो कुछ एक्सप्लानशन इसमें इसकी दी गई है इवन एन इंटरमीडिएट स्टेज फिगर नाइन पॉइंट वन वन सच एज रूडिमेंट्री आई कैन बी यूजफुल टू समस्टेंट कुछ इंटरमीडिएट स्टेज होती है जैसे कि रूडिमेंट्री आई रूडिमेंट्री आई आईज होती हैं जो अभी तक पूरी की पूरी मैच्योर नहीं हुई है यानी ये अभी अपने प्रारंभिक चरण में है अभी ये प्राइमरी स्टेज में है प्राइमरी स्टेज के बाद उसमें थोड़ा बहुत जो है उनका मॉडिफिकेशन हुआ होगा वो इंटरमीडिएट स्टेज में आई होगी तो रूडिमेंट्री आईज कहते हैं जो अभी तक मैच्योर ना हुई हो तो ये रूडिमेंट्री आईज भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हद तक यूजफुल होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए दिस माइट बी इनफ टू गिव ए फिटनेस एडवांटेज तो ये जो रूडिमेंट्री आइज होती हैं ये भी ऑर्गेनिज्म को फिटनेस एडवांटेज देती हैं कि देखने का एडवांटेज प्रोवाइड कराती हैं इन फैक्ट द आई लाइक द विंग सीम टू बी ए वेरी पॉपुलर एडेप्टेशन वास्तव में जो पंखों की तरह जो आइज होती हैं आंखें होती हैं वो भी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए पॉपुलर एडेप्टन है जैसे पंख उड़ने का एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं उसी तरीके जो आइज हैं वो भी एडवांटेज प्रोवाइड कराती हैं वो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इनेबल करती हैं इंसेक्ट हैव दैम सो डज एन ऑक्टोपस एंड सो डू वर्टिब्रेट इंसेक्ट के पास भी आंखें होती हैं ऑक्टोपस के पास भी और वर्टिब्रेट के पास के भी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ़ द आईज इन ईच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट और हर एक ऑर्गेनिज्म में जो आई का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है ये जैसे ऑक्टोस ऑक्टोपस में आई बड़ी बड़ी होंगी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा इंसेक्ट में आई आई उनका स्ट्रक्चर कुछ और होगा वल्टिपरेट में आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनसे डिफरेंट होता है इनफ फॉर दैम टू हैव सेपरेट इवोल्यूशनरी ओरिजन्स तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि ऑक्टोपस में वर्टिब्रेट में इंसेक्ट में आई का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो इनका जो इवोल्यूशन हुआ होगा वो भी अलग अलग एनसेस्टर से हुआ होगा इनकी इवोल्यूशन की जो ओरिजिन है वो भी अलग होगी अभी फिगर नाइन पॉइंट वन यहां पर दी गई है यहाँ पर एक फ्लैटफॉर्म दिया गया है जिसको जिसका नाम है पलान इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल आइज़ होती हैं इतनी सिंपल आइज़ होती हैं कि ये आंखें आई स्पोर्ट्स की तरह दिखाई देती हैं जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं ये पलान है ये इसकी रूडिमेंट्री आइज़ हैं यानी इन इनका मैच्यूरेशन नहीं होता पलान एरिया पर जो आँखें होती हैं वो स्पोर्ट्स की तरह दिखाई देती हैं धब्बों की तरह दिखाई देती हैं और जो पलानिया पलान की आँखें होती हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं तो ये भी कहीं ना कहीं पलान को एडवांटेज प्रोवाइड कराती हैं देखने का ऑल्सो ए चेंज दैट इज़ यूजफुल फॉर वन प्रोपर्टी टू स्टार्ट विथ विथ कैन यूजफुल लेटर फॉर क्वाइट ए डिफरेंट फंक्शन तो इसमें कहा गया है शुरुआत में जो चेंज होता है वो किसी एक प्रॉपर्टी के लिए यूज़फुल हो सकता है लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं तो वो अलग अलग फंक्शन के लिए भी यूजफुल हो सकता है शुरुआत में कोई चेंज हुआ उसका एडवांटेज हमें एक दिखाई देगा लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाएगा उसकी स्टेजेस बढ़ती चली जाएगी तो उसके अलग अलग फंक्शन हमें दिखाई देने लगेंगे फैदर्स फॉर एग्जाम्पल कैन स्टार्ट आउट एज़ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर जो फैदर्स होते हैं वो शुरुआत में क्या होते हैं कोल्ड वैदर से इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं फैदर का फंक्शन शुरुआत में क्या था कि फैदर जो है बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने दे देता है बाहर ठंड थी और बॉडी की हीट क्या थी बॉडी को हीट को प्रिवेंट करते थे फैदर्स जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उस पर ठंड का असर ना हो बट लेटर दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट लेकिन जैसे जैसे इनका डेवलप होने लगा डेवलपमेंट इनका होने लगा तो बाद में जो फैदर्स हैं वो फ्लाइट के लिए यानी उड़ने के लिए भी यूज़फुल हो गए शुरुआत में जो फैदर थे वो कोल्ड वेदर से बचाते थे और बाद में इनका काम उड़ने के लिए भी होने लगा इन फैक्ट सम डायनासोर हैड फैदर आल दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग द फैदर और कुछ डायनासोर्स थे उनमें भी फैदर्स पाए जाते थे लेकिन वो फैदर का इस्तेमाल करके उड़ नहीं पाते थे बर्ड सीम टू हैव लेटर द दैदर टू फ्लाई जो बर्ड्स होती हैं उन्होंने क्या किया बाद में धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होने लगा इवोल्यूशन होने लगा और उन्होंने फैदर्स को उड़ने के लिए अडेप्ट कर लिया दिस ऑफकोर्स मीन्स दैट बर्ड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्लाइज सिंस डायनासोर्स और रेप्टाइल तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बर्ड है वो रेप्टाइल से रिलेटेड है क्योंकि जो डायनासोर्स थे वो भी रेप्टाइल्स थे डायनासोर रेप्टाइल थे उनके जो पंख थे उनसे वो उड़ नहीं पाते थे लेकिन आज के जो बर्ड्स हैं उनके जो पंख हैं, उनसे वो उड़ पाते हैं तो हमें क्या पता लगा हमें इससे पता लगा कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से जुड़ी हुई हैं उनसे क्लोजली रिलेटेड हैं क्योंकि डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स थे और कुछ डायनासोर्स में पंख भी पाए जाते थे यहाँ पर डायनासोर्स के दिए गए हैं और उनमें डायनासोर्स में फैदर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये यह यहाँ पर दिया गया है पहले ये देख लेते हैं दिस इज ए स्मॉल डायनासोर फ्रॉम दैट डोरमा डोरमेस्योर फैमिली ये ड्रोमेस्योर फैमिली का एक स्मॉल डायनासोर है ये इसमें फंग पंक्स की स्ट्रक्चर फैदर्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है अब याद दूसरा देख लेते हैं फैदर इम्प्रिंट्स वर प्रिजर्व अलॉन्ग दिस डायनासोर बोन हेयर वी कैन सी फैदर्स ऑन द फोर आर्म यहाँ पर इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और जो फेदर के इम्प्रूवमेंट्स हैं वो डायनासोर की हड्डियों में देखे जा सकते हैं यहाँ पर जो फैदर हैं वो फोर आर्म तक पूरे फैल गए हैं हेयर ए क्लोजअप ऑफ द फोसिल हेड फेदर्स यहाँ पर जो डायनासोर के हेड फेदर्स थे उनका एक फौसिल यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस डायनासोर कुड नॉट फ्लाई एंड इट इज़ पॉसिबल दैट द एवोल्यूशन ऑफ़ फेदर हेड नथिंग टू डू विद फ्लाइट जो ये वाला डायनासोर था यह उड़ नहीं पाता था तो ये पॉसिबल हो सकता है इससे हम पता लगा सकते हैं कि इनमें जो फेदर का एवोल्यूशन हुआ उसमें उड़ने का कोई भी उससे रोल नहीं था इनमें एवोल्यूशन फेदर का हुआ होगा वो हुआ होगा हीट बचाने के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए ना कि उड़ने के लिए इट इज ऑल वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर इवोल्व फ्रोम ए कॉमन एनसेस्टर डिजाइन ये भी कहा जाता है कि जो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समान नहीं दिखाई देता जो स्ट्रक्चर डिसिमिलर होते हैं वो भी एक कॉमन एनसेस्टर से हो सकते हैं इट इज़ ट्रू दैट एनालिसिस ऑफ़ द ऑर्गन स्ट्रक्चर इन फोसल अलाउ अस टू मेक एस्टिमेट ओ हाउ फार बैक इवोलूशनरी रिलेशनशिप गो तो ये भी सत्य है कि जब हम किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं फोसल्स में तो हमें यह पता लगता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कितनी पीछे तक हो सकती है यानी इनके बीच में इन ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बीच में जो ईवोल्यूशनरी uh, रिलेशनशिप है वो कितनी पुरानी हो सकती है ये हमें फोसल की स्टडी से पता लगता है बट दोज आर गैसेज अबाउट वाट अपन इन हिस्ट्री लेकिन जब भी जो भी हम फोसिल के बारे में कहते हैं वो हमारे गैसेज हैं कि इस प्रकार का हिस्ट्री में हुआ होगा जरूरी नहीं वो हुआ होगा ये हम मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा आर देयर एनी करंट एग्जाम्पल ऑफ सच ए प्रोसेस क्या कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के इस प्रोसेस के कोई करंट एग्जाम्पल भी हैं जो हमें करंट सिचुएशन में दिखाई देते हैं द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज़ ए गुड एग्जाम्पल करंट प्रोसेस में एक एग्ज़ाम्पल है वो है वाइल्ड कैबेज प्लांट का ह्यूमस हैव ओवर मोर दैन टू थाउजेंड ई ईयर्स कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज एज ए फूड प्लान एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल फ्रॉम इट बाई सेलेक्शन जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने दो हजार सालों तक यानी दो हजार सालों से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वाइल्ड कैबेज को कल्टिवेट कर रहे हैं और फूड प्लांट के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं साथ ही साथ इस वाइल्ड कैबेज से उन्होंने सिलेक्शन के द्वारा बहुत सारे वेजिटेबल भी जनरेट किए हैं अब इसमें प्रोसेस आता है सिलेक्शन क्या है मान लीजिए हमारी वाइल्ड कैबेज है इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन किया गया इससे अलग ये ये वाली कैबेज इसके ऑफ स्प्रिंग्स बने होंगे अब मान लीजिए इन तीन कैबेज में जो ये वाली कैबेज है ये थोड़ी सी डिफरेंट आ गई इसके डीएनए में थोड़ा बहुत चेंज आ गया तो इसको हम अलग कर लेते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद जो ये डिफरेंट कैबेज है इसको अलग ग्रो किया जाता है इसे हम कहते हैं सिलेक्शन मेथड स इज ऑफकोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन रादर देन नेचुरल सिलेक्शन तो कैबेज में जो सिलेक्शन किया जा रहा है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जा रहा है ना कि नेचुरल सिलेक्शन क्योंकि कैबेज में हम ह्यूमन बींग सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन अगर नेचर अपने आप सेलेक्ट करे तो वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है सो सम फार्मर हैव वॉन्टेड टू सेलेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज बिटवीन लीव एंड हैड द कैबेज वी इट तो कुछ का फार्मर्स ने वाइल्ड कैबेज से ऐसी कैबेज सेलेक्ट की जिनके बीच ल्यूज के बीच में शॉर्ट डिस्टेंट था और ये ये कहलाती है हमारी ब्रेड कैबेज जिसको हम खाते हैं इसका आप डायग्राम यहां पर देख सकते हैं ये वाइल्ड कैबेज है वाइल्ड कैबेज से इतनी प्रकार की कैबेज जो है सिलेक्शन के द्वारा बनी है अगर फार्मर्स ने क्या किया सबसे पहले एक ऐसी कैबेज सेलेक्ट की जिनकी पत्तियों के बीच में कम डिस्टेंस है तो वो उससे क्या सेलेक्ट हुई ये वाली कैबेज से सेलेक्ट हुई जिसको हम कॉमल्ली बनाकर खाते हैं अब दूसरी वाइल्ड कैबेज से और दूसरी कौन सी बनी ये भी हम देख लेते हैं सम हैव वॉन्टेड टू सेलेक्ट फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट एंड हैव ब्रेड ब्रोकोली और फॉर स्ट्राइल फ्लावर एंड हैव मेडदा कोली फ्लावर कुछ फार्मर्स ने वाइल्ड uh, कैबेज से ऐसी कैबेज सेलेक्ट की जिसमें क्या थे फ्लावर अरेस्टेड थे फ्लावर्स आपस में जुड़े हुए थे तो वो क्या बनी उससे ब्रोक कोली हुई वाइल्ड कैबेज से ब्रोक वेराइटी सेलेक्ट हुई और कुछ फार्मर ऐसे कैबेज uh, सेलेक्ट की जिनमें फ्लावर्स स्ट्राइल थे स्ट्राइल फ्लावर जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो उससे हमारी कौन सी कैबेज आई उससे हमारी कॉलीफ्लावर कैबेज आई ये आप देख सकते हैं ये वाली यहाँ पर ब्रोकोली दिखाई गई है ब्रोक में जो फ्लावर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं इसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो भी वाइल्ड कैबेज से हुआ है और आप देख सकते हैं ये कॉलीफ्लावर इसमें क्या होते हैं स्ट्राइल फ्लावर होते हैं तो वाइल्ड कैबेज से ये भी सिलेक्ट हुई अभी से तीन सेलेक्ट हो गई वाइल्ड कैबेज से अब फोर्थ देखते हैं सम हैव सेलेक्टेड फॉर सोलन पार्ट एंड कम कैम अप विद द खोलरा कुछ फार्मर ने फार्मर ने ऐसी वैरायटी सेलेक्ट की जिसके पार्ट सोलन थे फूले हुए थे तो उन्होंने खोलरा भी मिली सम हैव सिंपली लुक्ड फॉर स्लाइटली लार्जर लिव एंड कम अप विद ए लिफी वेजिटेबल कार्ड कैल कुछ फार्मर ने ऐसी सिलेक्ट की वेराइटी जिसमें जो लीव्स थी वो बड़ी थी पत्तियां बड़ी थी तो उनसे क्या मिली एक लिफी वेजिटेबल मिला जिसे कहते हैं केल वाइल्ड कैबेज से जब सोलन पार्ट वाली वैरायटी सेलेक्ट की तो खोलरा भी मिली और वाइल्ड कैबेज से जब बड़ी बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी मिली सेलेक्ट की तो उससे हमें हमारी नई वैरायटी डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं केल तो आप देख सकते हैं वाइल्ड कैब एक सिंपल वाइल्ड कैबेज से इवोल्यूशन से ईवोल्यूशन होते होते स्टेज बाय स्टेज कितनी सारी गोभी की वेरायटी आप देख सकते हैं डेवलप हुई है अलग अलग वेराइटी कैबेज वेरायटी वुड वी हैव थॉट दैट ऑल दीज स्ट्रक्चर आर डिस फ्रॉम द सेम एनसेस्टर इफ वी हैड नो डन इट अवर सेल्फ क्या हम ये सोचते हैं कि इतनी सारी जो अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर हैं वो एक ही कॉमन एनसेस्टर से डेवलप हुई हैं क्या होता अगर इतनी सारी वैरायटी हम खुद नहीं डेवलप करते हमने क्या किया वाइल्ड कैबेज से इतनी सारी वैरायटी डेवलप की तो हमें पता है इनका जो कॉमन सिस्टर है वो क्या है वाइल्ड कैबेज है अगर ऐसा होता कि इतनी सारी वैरायटी हम खुद ना डेवलप करते तो क्या हम कह पाते कि इतनी सारी वेरायटी एक कॉमन चीज़ से वाइल्ड कैबेज से डेवलप हुई है इस ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता ये हमें पता है इसलिए हम ये कह देते हैं अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द ऑरिजिनल आइडिया दैट वी स्टार्टिड विथ और रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर दूसरे तरीके से ट्रेस करना है वो क्या है जो जिस चीज़ से हमने स्टार्ट किया था जे डेट आइडिया वाज दैट चेंजेस इन डी एन ए डिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट ऑन इन एवोल्यूशन हमने सबसे शुरू में क्या पढ़ा था कि डी एन ए में चेंज होता है रिप्रोडक्शन के दौरान यही ईवोल्यूशन का कारण बनते हैं तो अगर हम डीएनए में चेंज का पता लगा लें कि डीएनए में चेंज किस तरीके से हुआ है और कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ है तब भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस कर सकते हैं इफ दैट इज द केस दैन कंपेयरिंग द डी एन एफ डिफरेंट स्पीसीज शुड गिव अस ए डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ हाउ मच द डीएनए है स्टैंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीसीज अगर ये बात है तो अलग अलग स्पीसीज़ का हमें क्या करना है डी एन ए कंपेयर करना है जिससे ये हमें पता लग जाएगा कि उनके डी एन ए में कितना चेंज आया है और किस प्रकार का चेंज आया है और इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी स्पीसीज से कितनी प्रकार की स्पीसीज बनी हैं दिस मेथड इज़ नाउ एक्सटेंसिवली यूज टू डिफाइन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो डी एन ए में चेंज का जो ये प्रोसेस है डी एन ए में चेंज कुछ जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है ये मैथड आजकल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है डी एन ए में चेंज का पता लगाया जाता है इसमें अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है मोलिकुलर फाइलोजेनी वी हैव been discussing हाउ चेंजेस इन द DNA during ड्यूरिंग सेल डिवीज़न वुड लीड टू चेंजेस इन द प्रोटीन दैट आर मेड this दिस न्यू एन ए हमने अब तक डिस्कस किया है कि डी एन ए में सेल डिवीज़न के दौरान जो चेंज आता है उससे उस डी एन ए से जो प्रोटीन बनते हैं उसमें किस प्रकार का चेंज आता है मान लीजिए डीएनए में चेंज आ गया डीएनए में अगर चेंज आ, जा, आ जाएगा डी एन ए से आरएनए बनता है आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है अगर डीएनए में चेंज आया तो उससे जो प्रोटीन बनेगा उसमें भी तो चेंज आएगा अनादर पॉइंट दैट हैज़ बीन मेड इज दैट दिस चेंजेस वुड एक्यूमलेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है कि डी एन ए में जो चेंज आया है ये चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी पास होते हैं कुड दिस बी यूज टू ट्रेस द चेंजेस इन इन डी एन ए बैकवर्ड इन टाइम एंड फाइंड आउट वेयर ईच चेंज डाइवर्स फ्रॉम द अदर क्या हम जो पिछली जनरेशन में जो डीएनए में चेंज आया था क्या हम उस चेंज का पता लगा सकते हैं और उस चेंज का पता लगा कर क्या हम ये पता लग लगा सकते हैं कि कौन से एनसेस्टर से या फिर कौन से इस्पीसीज से ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम जो है डेवलप हुए हैं क्या हम डीएनए चेंज से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं मोलिकुलर एग्जैक्टली दिस जो मोलिकुलर फाइलोजेनी जो मेथड है प्रोसेस है वो यही करता है वो जो डीएनए में चेंज है उनकी स्टडी करता है कि ये डीएनए में चेंज किस प्रकार का आया है और किस ऑर्गेनिज्म से कितना आया है उसमें इस प्रकार की स्टडी की जाती है फिर पता लगाया लगाया जाता है कि कौन से जो है कौन से ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन हुआ है दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल

जैसे भाई बहन हैं भाई बहन क्लोज रिलेटेड हैं उनके डी में बहुत ही कम चेंज होगा भाई हो गया एक और कोई दूसरा आदमी हो गया उनके डी में बहुत ही ज़्यादा चेंज होगा जैसे भाई हो गया और मामा का लड़का हो गया उनके डी में ज़्यादा चेंज होगा क्योंकि वो भाई बहन के मुकाबले डिस्टेंट रिलेटेड हैं तो यही मोलिकुलर फाइलोजेनी में स्टडी की जाती है सच स्टडीज ट्रेस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड इट हैज़ बीन हाईली ग्रेटिफाइंग टू फाइंड दैट द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शोस बाय मोलिकुलर फाइलोजेनी मेस द क्लासिफिकेशन स्कीम दैट वी लर्न इन क्लास नाइन्थ तो मोलिकुलर फाइलोजेनी में जो डीएनए की स्टडी की जाती है वो इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताती है और ये भी बता पता लगता है हमें कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है जो मोलिकुलर फाइलोजेनी के द्वारा हमें पता लगती है वो हमने जो क्लास नाइन्थ में क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ी थी उससे वो मैच खाती है जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है ए ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म सी ऑर्गेनिज्म डी ऑर्गेनिज्म मोलिकुलर फाइलोजेनी में क्या किया जाएगा इनके डीएनए के बारे में स्टडी की जाएगी इसके भी इसके भी और इसके भी अब क्या हुआ ए और डी का जो डीएनए है वो बहुत ही ज़्यादा समान आ गया यानी ए और डी के जो डीएनए में क्या है बहुत ही कम डिफरेंस है तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि जो ए और डी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं इनके कॉमन एनसिस्टर हो सकते हैं अब मान लीजिए क्या हुआ ए और जो बी है उनके डी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया तो इससे हमें पता लग गया ए और और जो बी ऑर्गेनिज्म हैं इन कैंसिस्टर कॉमन नहीं थे इस प्रकार की स्टडी मोलिकुलर फाइलोजेनी में पढ़ी जाती है दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें